महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष एनसीपी के जो है शमीम खान, उनका 7 जनवरी को इनका जन्मदिन है और आज 6 जनवरी है। हालांकि इनका जन्मदिन जो है वो कल है, लेकिन आज इनके जन्मदिन के मौके पर जो है तमाम लोगों को जो है यहाँ पर राशन किट वगैरह और कंबल वगैरह बांटे गए। इसी तरह के जो है और मुमरा के जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन इलाकों में भी राशन के किट और कंबल बांटने का काम किया गया। दरअसल शमीम खान का कहना है कि जिस तरह से जन्मदिन उनका मनाया जाता था उसमें काफ़ी खर्च होता था, लेकिन अगर उसी खर्च को जो है गरीबों के लिए मदद किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। शमीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम भाई, आपका जन्मदिन था, खास तौर पर आपका कहना है कि ना केक काटेंगे और ना ही कुछ धूम धड़ाका पटाखे फोड़ेंगे, पार्टी होगी, बल्कि आपने सादगी की तरह से जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने तमाम चाहने वालों का, मेरे दिल की गहराइयों से, मेरे परिवार की जानिब से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, मुझे प्यार दिया और हमेशा मुझे सराहा। मैं इसके लिए तमाम अपने चाहने वालों को आपके माध्यम से, जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपने कहा जन्मदिन, जन्मदिन के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, खास करके मेरे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जन्मदिन केक काट करके ही मनाना ज़रूरी नहीं होता, या अगर आप केक नहीं काटेंगे तो जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, या आप होर्डिंग नहीं लगाएंगे तो जन्मदिन नहीं होगा। मैं इस बातों को नहीं मानता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो खर्चे होर्डिंग्स के अंदर होती है, जो खर्चे केक में होते हैं, जो खर्चे आतिशबाजी के अंदर होते हैं, वही खर्चे आप गरीब और मुस्तहिक को, अगर आप जिस तरीके से आज मेरे तमाम साथियों ने, मैं सबका नाम लेके तो बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे एक एक साथियों का जिन्होंने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे और बहुत सारे स्लम इलाके के अंदर जा जा कर के लोगों ने राशन किट तकसीम किया, ब्लैंकेट तकसीम किया, बच्चों को ज़रूरत की फीस भी पे की गई, तो इस तरीके का जन्मदिन मनाना मेरे ख्याल से यही बेहतर है। और मैं आने वाले कल के लिए मैं अपने तमाम साथियों से यही कहना चाहता हूं कि जन्मदिन सादगी से मनाया जाए तो अल्लाह ताला बहुत सारी दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत को पूरे अगर होती है, अगर उनका पेट भरता है तो उनकी दुआएं मिलती हैं। शमीम भाई, आप कह रहे हैं कि कोई धूम धड़ाका नहीं, पार्टी नहीं, आतिशबाजी नहीं, लेकिन जन्मदिन आपका कल है और आपके अपोजिशन के लोग भी सुनेंगे कि आप सादगी से मनाने कह रहे हैं, अगर कहीं कल पटाखे वगैरह फोड़ कर आप यहाँ पर जश्न मनाना चालू कर दिए तो? मैं मेरे अपोजिशन के भाइयों को भी कहीं ना कहीं मुझे उन्होंने भी मुबारकबाद तो ज़रूर दी होगी, ज़रूरी नहीं है क्या करके वो मीडिया के माध्यम से दें, अगर उन्होंने अपनी चाह से भी दे दिया तो मैं उनकी भी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए, मैं अल्लाह से ही कहना चाहता हूँ। रही बात कि आतिशबाजी और पटाखे, आपने कहा जन्मदिन कल है, देखिए इस्लामुद्दीन भाई, पहली बात तो यह है कि मैं अपने तमाम चाहने वालों को आपके माध्यम से और तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपील कर चुका हूँ कि यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला, देखिए ज़िंदगी तो चंद दिनों की ही है इंसान की, मैं ये बोलूँगा नहीं कि अभी एज कितनी हुई है या कितने साल का जन्मदिन मना रहे हैं हमारे साथी लोग, लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी भी तंदुरुस्त, जितनी भी ज़िंदगी दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। आने वाले कल के लिए भी मैं कह के जाता हूँ कि जन्मदिन आतिशबाजी से, पटाखे से, केक से, होर्डिंग से ना मनाते हुए आप उसको, उसी पैसे को गरीब मुस्तहिक के लिए खर्चा करो, बाकी कौन क्या कहता है वो कहने दीजिए। शमीम भाई, एक सवाल है आपसे बस स्टैंड को लेकर, लोग सवाल उठा रहे हैं कि उस पर जो है, हालांकि आपके जन्मदिन का मौका है लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, उस पर लाइट लगवाने का बंदोबस्त आप क्यों नहीं करते? कौन बस स्टॉप की बात कर रहा है इस्लामुद्दीन भाई? मैंने तो नहीं सुना, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपके माध्यम से। मैं ये सब बातों को, कौन पॉलिटिकल आकर के स्टैंडबाजी करता है और कौन क्या करता है, ये सब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब ने जब हमें परिवहन समिति का सदस्य बनाया
तो मेरा ये बहुत सारा कुछ सपना था कि मेरे शहर में शहद बस स्टॉप लगे, मेरे शहर के अंदर बसें दौड़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह 146 बसें फेरा मारती है मुमरा शहर से। आज शहर के अंदर 11 शहद बस स्टॉप लग गए, 38 स्टैंड स्टॉप लग गए। ये सब चीज़ें जो, और आज जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बस स्टॉप को लेकर के इश्यूज उठाते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अच्छे कामों की सराहना करो। अगर शमीम खान ने परिवहन समिति सदस्य होने के नाते उसने अपना फ़र्ज का अंजाम किया, अपने शहर के जो खिदमत का अंजाम किया, तो उसे सराहो। और आपने कहा लाइट के बारे में इस्लामुद्दीन भाई, तो शायद आपने बरोबर नहीं देखा है, आप एक बार देख लीजिएगा। एक दो बस स्टॉप छोड़ करके बाकी सब शेड बस स्टॉप के ऊपर लाइट लग चुकी है। वो भी कोई एक कला के सवाल नहीं करेगा कि मीटर नहीं लगा हुआ है, मीटर टोरेंट का लगा उसके अंदर, मीटर आगे टोरेंट वाले छोड़ते नहीं है, आगे मीटर लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप देख रहे हैं इस्लामुद्दीन भाई के, हर साल की तरह हमारे जो मुमरा कलवा के अध्यक्ष श्री शमीम खान साहब, उनका जन्मदिन जो है वो हर साल की तरह इस साल भी जो है गरीबों में अनाज बांट कर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है आज शमीम भाई हम लोग को ये पहले समझाए थे कि हम मेरा जन्मदिन जो है वो धूमधाम से बैनरबाजी करते हुए पटाखेबाजी करते हुए ना मनाएं, और उसके बजाय गरीबों में अगर अनाज तकसीम किया जाए और उनकी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी हो तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के साथ दुआ भी मिलती है और नेक काम भी होता है। तो उसी आदेश को हम लोग पालन करते हुए आज राष्ट्रवादी के इस विधानसभा ऑफिस पे सुबह से जो है गरीबों को अनाज और ब्लैंकेट तकसीम किया जा रहा है। जी शमीम भाई की तरह मतलब हर इंसान ने अगर ये सोचा कि इस तरह से जन्मदिन मनाया जाए तो हमारे मुमरा से बहुत सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, फीस है, राशन है, ये वो छोटी मोटी तो हम ख़त्म कर ही सकते हैं, लेकिन हर इंसान ने इनकी ऐसी सोच रखना चाहिए। शमीम भाई जैसी सोच कोई नहीं रख सकता, क्योंकि जितना नाम शमीम भाई का है मुमरा में वाकई तारीफ़ काबिल है, और आज उनका जन्मदिन है, जितना उन्होंने लोगों को किट बांटे और ये बच्चों की फ़ीस का किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजे और उनकी लंबी उम्र करे, इंशाल्लाह ताला हर साल ऐसे ही होता रहेगा। भाइयों को तौफीक हो, सबको ऐसी तौफीक दे, हमारे स्टाफ, हमारी एनसीपी पार्टी में सब लोगों को, कि सब लोग इसी तरह का बर्थडे मनाएँ तो मुमरा की परेशानियाँ सब दूर हो जाएँ। इस्लामुद्दीन भाई, आपका सवाल बार बार रहता है कि विरोधी कुछ बोल रहे हैं, शमीम भाई ने बता दिए कि जो मुस्तकीन अपनी खुशी में मुस्तकीन को कैसे शामिल किया जाए, वो अपना बर्थडे भी बता चुके हैं, और वक्त आएगा तो सियासत कैसी होती वो भी बता देंगे इंशाल्लाह। शमीम भाई के हम पूरी टीम, एनसीपी की पूरी टीम तहे दिल से शमीम भाई को जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो शमीम भाई को मैं मुबारकबाद देती हूँ जन्मदिन की, और शमीम भाई की तरह हर किसी को जन्मदिन इसी तरह मनाना चाहिए, और अपोजिशन जो कुछ करते तो नहीं है लेकिन हमारे कामों में नुक्स बराबर निकालते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि पहले इन सब चीज़ों से सीख ले, नुक्स निकालना तो पड़ी है, ज़िंदगी निकालते रहें अपने नुक्स।